देखिए इस टाइम मैं हूँ पार्क, तो देखिए इस टाइम मैं हूँ पार्क के अंदर और यहाँ पे काफी, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्यटक यहाँ से बोल, तो देखिए इस टाइम आ गया हूँ फुटपाथ के, खुल रही हैं और पर्यटक थोड़े थोड़े बढ़ते, तो देखिए इस टाइम मैं हूँ भोटिया मार्केट, तो ये देख सकते हैं ये जो नज़ारे हैं ना ये, चलो दोस्तों कैसा आप लोग, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ठीक हो गए, नए व्लॉग के समय फिर आ गया हूँ आप करना जिस समय, और जो आजकल आओगे नैनीताल के वेदर के समय, टूरिज्म के समय, पर्यटक के समय, और दिखाने वाला हूँ नैनीताल में कितना वेदर कैसा है, क्राउड कैसा है, बारिश हुई है या नहीं हुई है, आप नैनीताल आना सेफ है या नहीं है, सारी जानकारी देने वाला हूँ, तो मेरे ब्लॉग में बने रहेगा, इसके करके मैं देखना नहीं तो कुछ ना कुछ जानकारी छोड़ देंगे। चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं, कुछ नहीं करते आज के ब्लॉग में, तो ब्लॉग को करते हैं स्टार्ट। तो देखिए इस टाइम मैं हूँ पार्क के अंदर और यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम करा गया है, देखिए जितनी हमारी जो बोतल होती है ना पानी की, पेप्सी की वैसी, तो उनको सारे यहाँ पे किनारों से लगाया गया है, उनमें कलर कर दिया गया है, तो कल से मैं इसको देख रहा हूँ, यहाँ पे काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, रिसाइकिल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं कुछ इस टाइप से ही, तो इसको भी वही कहेंगे क्योंकि ये बड़ी अच्छे यहाँ पर देखिए एक पार्क एक अच्छे रूप में तब्दील हो रहा है, ये देख सकते हैं कैपिटल सिनेमा हॉल के पास, तो ये देख सकते हैं यहाँ पर कार भी अभी चल ही रहा है। और आज वेदर की बात करें तो वेदर काफ़ी अच्छा है नैनीताल का, धूप भी काफ़ी तेज़ थी, और हालांकि अभी जो है कोहरा भी लगा है, बादल भी लगे हैं, जैसा आप देख रहे हैं कि इधर की तरफ ये कोहरा, तो ये देख सकते हैं आप लोग, और हल्की सी धूप में ना अभी गर्माहट भी है, गर्म जैसा भी लग रहा है, और फुटपाथ की दुकानें खुलना शुरू हो गई हैं, और बैंड हाउस की तरफ अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लेक में कितनी बोर्ड से चलनी है, कैसी चलनी है, लेकिन जो अभी यहाँ पे काम चल रहा है काफ़ी अच्छा काम चल रहा है, और ये देखिए येलो और रेड से और इधर ब्लू काफ़ी अच्छा लग रहा है। अब देखते हैं कि पार्क कितने दिन में यहाँ पे ओपन होता है, देखिए इस टाइम हूँ पार्क के पास और बैंड हाउस के पास, ये देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं लेक में कितनी तादाद में बोर्ड से चलनी है आज, क्योंकि आज है संडे का दिन है और संडे के दिन में काफ़ी अच्छे पर्यटक नैनीताल में आए हैं, लेकिन उतने नहीं आए हैं जितने सीज़न में आते हैं, लेकिन ऑफ सीज़न के मुताबिक पर्यटक आए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं कि सामने बोर्ड से चल रही है और कोहरा, और ये देख सकते हैं आप लोग तल्ली ताल की तरफ से, और इधर देख सकते हैं आप लोग ये, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है, तो काफ़ी लोग बैंड हाउस के अंदर जाते हैं, सेल्फी लेते हैं, फ़ोटो लेते हैं, अभी भी ले रहे हैं देखिए, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा खूबसूरत नज़ारे देखने को मिलते हैं ये, और लेक में जो बोट से चलती है उसमें चार चांद और लग जाते हैं, और पार्क के अंदर तो काम चल ही रहा है, बच्चे झूला झूल ही रहे हैं, तो यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से पर्यटक यहाँ से बोटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, सामने यार्ड बोट लगी हुई है हमारी पिंक ग्रीन और रेड, तो काफ़ी अच्छा नज़ारा है ये, और पानी का कलर जो है ग्रीन है पूरा, और ये पहाड़ी भी हमारी पूरी ग्रीन है, और यहाँ पे देख सकते हैं कोहरा आपको नज़र आ रहा होगा सामने, तो कुछ इस तरीके से शानदार नज़ारे हैं ये जो मैं अपने व्लॉग में कैप्चर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दिन में मैं लाइव भी आया था यूट्यूब में और इंस्टाग्राम में दोनों भी लाइव आया था मैं, तो उसमें काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि नैनीताल आना सेफ़ है या नहीं, तो बेशक नैनीताल आना सेफ़ है, देखिए ये लोग पर्यटक ये भी आए हुए हैं, तो सब अपना फ्री माइंड घूम रहे हैं और फोटो ले रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, बोटिंग कर रहे हैं, तो आप भी आ सकते हैं और आप भी घूम सकते हैं कुछ इसी तरीके से, और बोटिंग कर सकते हैं आप लोग, तो देखिए इस टाइम आ गया हूँ फुटपाथ के बोट स्टैंड के बाद चप्पू वाले, और यहाँ से आप देख सकते हैं कि पर्यटकों का नज़ारा है, तो यहाँ से पर्यटक अपना बोटिंग करने जा रहे हैं, सामने आप देख सकते हैं ये, और पानी का लेवल भी थ्री स्टेप जो हमारी सीढ़ियाँ हैं थ्री स्टेप बचे हैं उसके, तो पानी का लेवल ऊपर तक आ जाएगा, तो अभी आप देख रहे हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पर्यटक अपना घूम ही रहे हैं ये, तो पर्यटक जो ये पर्यटक हैं तो रोज़ जो सुबह आते हैं, कुछ लोग शाम को चले जाते हैं, कुछ लोग यहाँ पे रुकते हैं, तो अभी आप देख रहे हैं कि पर्यटक कुछ इस तरीके से आपको नज़र आ रहे हैं, दुकानें जो फुटपाथ की हैं उनका खुलने का समय हो गया, तो दुकानें भी खुल रही हैं और पर्यटक थोड़े थोड़े बढ़ते चले जाएंगे, और अभी आप देख रहे हैं सामने बोटिंग भी चल रही है इस टाइम, और अच्छी खासी बोट नज़र आ रही है आज लेक में, और आज जो मैं देख रहा हूँ नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक पूरी पानी से लबालब दिख रही है, पूरी ऊपर तक दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि फुल लेक में पूरा पानी ऊपर तक आ गया है, और अभी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से नज़ारा है, हालांकि अभी यार्ड बोट नहीं चल रही है देखिए सामने, और तल्ली ताल की तरफ से कोहरा ऊपर की तरफ, और ऊपर से नीचे को कुछ नहीं दिख रहा होगा कि कोहरा पूरा लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप लोग ऊपर, तो देखिए इस टाइम हूँ भोटिया मार्केट तिब्बती मार्केट के पास, कुछ इस तरीके से पर्यटक नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, और आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बादल लगे हुए हैं बिल्कुल ये काले बादल, तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे नज़ारा है ये, तो सब पर्यटक अपने खड़े हुए हैं, कोई किधर है कोई किधर है,
तो ये देख सकते हैं आप लोग। तो यहाँ से आप कपड़े की खरीदारी कर सकते हैं, कुछ खाना तो खा सकते हैं चाट मार्केट की तरफ। सो देखिए इस टाइम में आ चुका हूँ ठंडी सड़क, और ठंडी सड़क में बिल्कुल सुनसानी, कोई शोर शराबा नहीं किसी तरह के, कोई वो यहाँ भी लिखा नहीं, सब जगह चेतावनी बोर्ड तो लगे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं यह ठंडी सड़क, तो यहाँ से चलते हैं हम। बढ़िया, तो ये इधर की तरफ चलते हैं और देखते हैं यहाँ से हम नैनीताल की शान, नैनीताल की लेक्स। तो यहाँ से ना अलग ही नज़ारा देखने को मिलता है जैसे मैं आ गया हूँ। तो ये देख सकते हैं आप लोग ये नज़ारे, तो ये नज़ारे कुछ अलग ही हैं। और देखिए वहाँ पे टूटते 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 कितना टूट गया है वहाँ पे, देखिए ये देख रहे हैं आप लोग, ये टूटते टूटते वहाँ तक पहुँच गया है ये। तो अब देखते हैं कि कैसा रहता है यहाँ पर। हालाँकि यहाँ पर देखिए मैं आपको रोज़ बता रहा हूँ कि NCC और नेवी वालों को ना यहाँ पे सेमिनार लग रहा है, कैंप वो सामने लगता है उनका, और यहीं से लोग वो अपनी बोटिंग जो बोट से चलाते हैं उसकी ट्रेनिंग करते हैं। और देखिए ठंडी हवा चल रही है बिल्कुल, ये क्या हवा चल रही है। तो काफ़ी अच्छे नज़ारे हैं ठंडी सड़क से भी, तो काफ़ी ठंडी ठंडी हवा महसूस होती है, काफ़ी अच्छा लगता है। और ये देखिए, तो देखिए बिल्कुल मैं ठंडी सड़क के पास हूँ और यहाँ से कुछ इस तरीके से नज़ारा देखने को मिलता है जैसा आप देख रहे हैं इधर की तरफ ये। तो यहाँ से चलनी है बोट, मतलब हर नैनीताल के हर कोने से आपको बोटिंग करने को मिल जाए, चाहे वो माल रोड हो चाहे वो ठंडी सड़क हो। लेकिन ठंडी सड़क से इससे आगे आपको बोट करने को नहीं मिलेगा, फिर इससे आगे जाएंगे तो आप भाई यहीं पे मिलेगा आपको। तो यहाँ से आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से पहाड़ियाँ नज़र आ रही हैं और घर नज़र आ रहे हैं। और तो देखिए सामने से यार्ड बोट चलते हुए है, और काफ़ी चार चांद लग जाते हैं जब नैनीताल की शान नैनीताल की लेक में चलती है। तो अभी मैंने उधर से दिखाया तो एक खड़ी हुई थी, और ये चलती है ये बोट हाउस क्लब से चलती है, वहीं से आपको इसका पैसे ऐसे लेकर टिकट देखना पड़ेगा तभी आप इसमें बैठ सकते हैं। और ये हवा के डायरेक्शन से चलती है, कभी पूरी टेढ़ी भी हो जाती है ये। तो अभी देख रहे हैं आप लोग कितना मतलब प्यारी लग रही है ये यार्ड बोट। तो ये देख सकते हैं ये जो नज़ारे हैं ना, ये तो बारिश के बाद और प्यारे लगते हैं जब पूरा पहाड़ धुल जाता है। तो यार्ड बोट किस तरीके से जा रही है देखिए, और ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं कोहरा किस तरीके से आ रहा है ये देख सकते हैं हम लोग। और कभी नीचे के नीचे से ऊपर की तरफ जाता है, कभी ऊपर से नीचे की तरफ आता है, तो कुछ इस तरीके से ये कोहरा रहता है। तो ये देख सकते हैं हम लोग कुछ इस तरीके से नज़ारा है। तो मैं इस टाइम ठंडी सड़क में हूँ, तो ठंडी सड़क में लोग आवाजाही कर रहे हैं। तो देखिए इस टाइम मैं हूँ बोटिया मार्केट चाट मार्केट तिब्बती मार्केट के पास, तो और कुछ इस तरीके से नज़र आ रहे हैं देखिए यहाँ पर पर्यटक ये। तो लोगों की आवाजाही चल रही है, ख़रीदारी चल रही है, फास्ट फूड खा रहे हैं, तो कुछ इस तरीके से नज़ारा है देखिए ये। और यहाँ से पहाड़ की बात करें तो इस तरीके से बादल लगे हुए हैं सामने देख रहे हैं आप लोग, तो कुछ इस तरीके से गतिविधि रहती है। सैटरडे संडे थोड़ी भीड़ रहती है नैनीताल में, फिर उसके बाद कम हो जाती है भीड़ मंडे से। तो ये देख सकते हैं आप लोग, तो ये देख सकते हैं आप लोग पर्यटक जो आपने लगे हुए हैं। और पर जो रोड है DSB रोड, तो ये जाती है तल्लीताल, आपको हल्के से गाड़ियां नज़र आ रही होंगी यहाँ पे, तो पूरी तल्लीताल निकलती है ये रोड। और वहाँ देखिए कोहरा नज़र आते हुए। तो फाइनली आज का व्लॉग मैंने कंप्लीट कर लिया, अच्छा लोगों को पसंद आया तो लाइक करिएगा, मेरे चैनल जिस साल नैनीताल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।